हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर चल रहे थे मेरे, तो पेपर चल रहे थे, पेपर दिए थे। उसके बाद अभी यूपी पुलिस का फॉर्म डाला है, तो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। और आज है छुट्टी, मतलब कॉलेज की तो छुट्टी है, प्राइवेट चल रहा है मेरा। तो आज मैं जा रहा हूँ राजा का ताजपुर, वहाँ पर है एक चर्च, बड़ा सा बहुत पुराना चर्च है। और यहाँ से कुछ 45 किलोमीटर होगा, नूरपुर से 15-17 किलोमीटर। तो चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम नौगावा से, थोड़ा सा आ गए। यहाँ पर नहर है, नहर के बराबर बराबर रास्ता आई है, नहर है सारी। एक ये नीचे को नदी जा रही है, ऊपर से नहर आ रही है, ये वाली नहर है, ये नीचे को नदी जा रही है। तो यहाँ पर अभी तो पानी नहीं है। बाकी आपने देखा होगा, ये जो मेरी पिकनिक वाली वीडियो थी उसमें यहाँ था वो सूर्य जो चल रहा था यहाँ पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको भी। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं फिर। फाइनली दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम चर्च पर, लेकिन निराशा हाथ लगी है, ठंड, इतनी ठंड में आए हैं हम। और यहाँ पर लग रहा है ताला, वो सामने चर्च है, दिख रहा होगा, ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको इनके बीच से, वो सामने चर्च है। यहाँ पर कोई नहीं है, वो जो सामने दिख रहे हैं एक दो लड़के हैं शायद, लेकिन यहाँ कोई नहीं है अभी। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनसे हम बात करेंगे अभी अंदर जाने के लिए, या जो भी है खोलने वोलने के लिए। बाकी ये तो बंद है, पता नहीं कैसे जाया जाएगा। और मस्त बना रखा है एकदम, दिख रहा होगा, देख लो। पता नहीं ये है रास्ता जाने का या दूसरा, ये नहीं पता है अभी। तो अभी तो यहाँ वेट करते हैं उनके आने का, और अगर वो बोलेंगे तो जाएंगे अंदर हम, वरना यहीं बाहर से ही दिखाते हैं और चलते हैं आपको लेकर घर। काफ़ी बड़ा और पुराना चर्च है, देख सकते हो आप लोग। अगर आपने वो नोटिस पढ़ लिया हो तो उसका पालन भी करें, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, कोई भी पिकनिक प्लेस नहीं है। ऐसे कभी उल्टा फुल्टा कर दो, यहाँ लगा हुआ है ताला, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि फादर नहीं है अभी। तो ठंड हो रही है, ये देख लो, काफ़ी पुराना है ये, ये देख लो। ये है चर्च की फ्रंट साइड, ये देख सकते हो आप, एकदम साफ सुथरा, एकदम मस्त है, अच्छा है। ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी पुराना चर्च है। यहाँ पर कुछ होगा तो अभी देख के बताते हैं आपको। उस टाइम हम वहाँ पर थे और अब हम आ चुके हैं यहाँ बिल्कुल सामने। तो देख लो कितना बड़ा चर्च है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति हैं जो इनके यीशु मसीह के बारे में बता रही हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। बाकी आप पढ़ लेना, बहुत सारा आए हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ, करीब 32 मूर्ति। ये है यीशु के कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है, जो पीछे वो जो दिखता है ना स्टार, वो क्रूस है। ये है यीशु के, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं, ये आपको दिख रहा होगा क्रूस। ये यीशु मसीह जी हैं, इनके ऊपर ये गिर चुका है पहली बार, इनके बाद शायद 3 बार गिरा था इनके ऊपर। यह कलवारी की राह में यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट, कुछ आप मूर्ति देखकर समझ सकते हो जो भी है। सिरनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है, ये होंगे जो सिरनी और सिमोस, इनमें से कोई सा है, यीशु मसीह जी ये हैं और क्रूस वो है, ये इन्हें ढो रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। ये दिया हुआ है बेरोनी, यीशु का चेहरा पोंछती है, मतलब ये बेरोनी है, ये यीशु का चेहरा पोंछ रही है, ये यीशु मसीह जी हैं, इस पर ये कपड़ा है। और ये बता रही हैं कि ये, इसमें बताया गया है कि ये बेरोनी का
इनका चेहरा पहुंच रही है। ये यहाँ पर है यसु, दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं, ये दूसरी बार गिर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मूर्ति, जो क्रूस है वो भी इनके ऊपर गिर चुका है। अब लेके चलते हैं अगली मूर्ति के आगे। यरूशलेम की स्त्रियाँ यसु के लिए रोती कलपती हैं, ये कुछ दिया गया है, ये रो रहे हैं, ये बच्ची भी रो रही है, ये भी रो रही है। और यसु मसीह जी यहाँ है, इनके कंधे पर अभी भी वही है क्रूस, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर यसु मसीह जी तीसरी बार क्रूस के नीचे दब चुके हैं, ये देखो तीसरी बार इनके ऊपर क्रूस गिर चुका है। यहाँ दिख रहा होगा यसु मसीह जी यहाँ है, ये क्रूस है और वो उठा रहे हैं शायद। ये देखो यहाँ पर यसु के वस्त्र उतारे जाते हैं, तो वस्त्र उतारते हैं तो ये देखो घाव दिख रहे होंगे, घाव हैं ये चाकू वाकू के जो भी हैं। ये देखो यसु क्रूस पर ठोके जाते हैं, जो वो है क्रूस उस पर ये ठोक रहा है। यहाँ पर वो रखा है हथौड़ा और कील है, देख लो ये ठोक रहा है ये आदमी इस यसु मसीह जी को इस पर। और यहाँ पर यसु मसीह जी क्रूस पर मर जाते हैं, इस टाइम इनकी डेथ हो चुकी है, यहाँ क्रूस पर ही लटके हुए ये प्रे कर रहे हैं इनके लिए, ये सिपाही है, ये दोनों प्रे कर रही हैं इनके लिए। यहाँ पर यसु मसीह जी को क्रूस से उतार लिया गया है, और ये देखो इनकी डेथ बॉडी है इनकी गोद में, इस टाइम मर चुके हैं यसु मसीह जी। ये यहाँ पर ले यसु मसीह जी को कब्र में दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, ये है कब्र, यहाँ छोटा छोटा दिखाया गया है सब कुछ। ये यसु मसीह जी मतलब कफन में है और उन्हें दफन करने के लिए लेकर जा रहे हैं ये लोग। ये यहाँ पर हैं माँ मरियम और प्रभु यसु के शिष्य हैं ये सारे उनके, ये उन्हें याद कर रहे हैं सारे लोग, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये है स्वर्ग में मरिया का मुकुट पाना, कुछ पता नहीं क्या है मुझे तो देख कुछ पता नहीं चल रहा, आपको पता हो तो कमेंट में बता सकते हो आप। वो पीछे मुकुट दे रखा है वो, और यहाँ मरिया जी हैं, ये पता नहीं, ये मरिया जी हैं, इनका स्वर्ग में उद्ग्रहण हो रहा है इस टाइम, देख लो वो पीछे स्वर्ग की रोशनी आ रही है, ये मरिया जी के ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना, यहाँ पर ये हो रहा है जो भी हो रहा है। प्रभु यसु का स्वर्ग रोहण यहाँ पर हो रहा है, देख लो प्रभु यसु का जी उठना यहाँ पर हो रहा है, जी उठना पता नहीं मुझे क्या है, आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। यह यसु का क्रूस पर ठोका जाना और मरना यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा बॉडी से खून आ रहा है और क्रूस पर लटके हुए हैं ये यसु मसीह जी। ये दिख रहा है यसु का क्रूस को ढोना, मतलब यसु मसीह जी कहीं क्रूस को ले जा रहे हैं, कहीं के लिए ढो रहे हैं मतलब ले जा रहे हैं। ये यसु मसीह जी को कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा है, वो दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे मुकुट पर कांटे, तो यहाँ पर कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा है। यहाँ पर यसु मसीह जी को कोड़ों से मारा जा रहा है, पता नहीं क्यों, ये लोग ये हैं हाथ में इनके कोड़े, ये जो कोड़े हैं उन्हें मारा जा रहा है, और देख सकते हो बॉडी पर खून के निशान। प्रभु यीशु का मंदिर में पाया जाना, ये देख लो मंदिर में पाए गए हैं यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु का मंदिर में चढ़ाया जाना, मतलब ये जो है उनकी माँ हैं और ये उनके पापा हैं, ये यीशु मसीह जी हैं गोद में, ये मंदिर में चढ़ा रहे हैं उन्हें, ये मंदिर के पुजारी होंगे जो भी हैं, तो ये इन्हें मंदिर में चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ये प्रभु यीशु मसीह इनका जन्म हो चुका है यहाँ पर, देख लो। ये दिखाया गया मरिया की एलिजाबेथ से भेंट, ये भेंट दे रही हैं जो भी है, देख लो आपको समझ में आ रहा होगा। यह स्वर्गदूत का संदेश, ये स्वर्गदूत हैं, ये संदेश दे रहे हैं, पता नहीं क्या दे रहे हैं, शायद यहाँ पर कुछ हो, अगर हो तो आपको दिख जाएगा, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो ये संदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर हो चुके हैं सारी मूर्तियाँ ख़त्म, सारी मूर्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सबके बारे में बता दिया मैंने आपको, आपको भी कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, जो गलत मैंने बताया हो आप कमेंट में सही करके बता दीजिए, क्योंकि
मुझे अभी इतना मतलब यीशु मसीह जी के बारे में इतना पता नहीं है, तो थोड़ा गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब चलते हैं चर्च की तरफ, एकदम ठंड लग रही है और चर्च बंद होने का भी टाइम हो चुका है अभी, तो थोड़ा और दिखाते हैं आपको और चलते हैं फिर घर की तरफ। मेरे सामने ही चर्च, चर्च बहुत पुराना है, पता नहीं कब बना था, ऐसा तो कोई नोटिस नहीं लगा हुआ है कि कब बना था। तो ये कुछ 32 मूर्तियां हैं, मैंने सब सारी आपको दिखा दी हैं। अब चलते हैं चर्च की तरफ, चर्च में देखते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं थोड़े और चलते हैं घर की तरफ। ये देख लो। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 दोस्तों आपको दिखा दिया आज चर्च सारा, अब हम चलते हैं, बंद होने का टाइम भी हो चुका है, ये देख लो लास्ट झलक और चलते हैं। अब लेते हैं हम एग्जिट ये बाहर की तरफ, वो खड़ी है हमारी बाइक सामने, देख रही होगी बाहर भी। चर्च से लेते हैं विदा और चलते हैं बाहर, बाहर हमारी बाइक इंतज़ार कर रही है हमारा। तो ये छोटा सा कुछ रास्ता है पैदल आने के लिए, ये इधर को ऐसे और पहुँच गए हम बाहर, और चर्च रह गया इधर। चर्च को करते हैं बाय और चलते हैं घर जल्द से जल्द, एक घंटा लगेगा, एक घंटे का रास्ता है और जाम हुआ तो ज़्यादा भी लग सकता है। तो चलते हैं अब हम, यहाँ पर छोटी सी नदी भी है, ये देखो नदी या नहर जो भी है, थोड़ा पानी है इसमें, एकदम मस्त साफ पानी है थोड़ा, वो देखो क्लियर। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।